और यहाँ पे मैं लोई ले रही हूँ पराठा बनाने के लिए। इस तरीके से गरम गरम बहुत ही अच्छा लगता है पराठा मुझे आलू वाले सर्दियों में। हम सब की तरह सर्दियों में किन्हीं पसंद है ये गरम गरम आलू वाले पराठा, वो नाश्ते में या फिर रात का खाना। यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाया था, वही लगते हैं हाफ एक फ्राई मैंने बनाई थी ऑमलेट में। हाफ एक फ्राई मुझे बहुत ही पसंद है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फॉर्चून से इसके कलर ना वाइट हो जाता है, बट मस्टर्ड ऑयल से येलो 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 येलो। बॉयल कर लिया एक तरफ, चाय रख दिया है या काफ़ी पराठे भी गर्म गर्म कर दे। अब बस फटाफट हम लोग नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। हाँ देखते हैं। मैं अपना चाय नाश्ते के बाद दोबारा थोड़ा सा ले ली हूँ गरम गरम, अब फ्रेश होंगी। और थोड़ा सा ENT मुझे जाना है कान के लिए, क्योंकि मेरे कान में कुछ दिनों से ठंड की वजह से किस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, मीन्स की पेन हो रहे, आवाज़ भी आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत टाइटन का एक वॉच आया है, जिसे हम लोगों ने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले। ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंट मीन्स की ऑर्डर भी हो और हम लोगों को रिसीव भी हो गया। तो इस टाइम पे ये सिफत को मैंने बोला कि चलो तुम अनबॉक्सिंग करो, उसके बाद फटाफट हम रेडी होंगे। मुझे थोड़ा डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। रखो इसे, इसका कैप कितना अच्छा दिया है, डब्बा ये टाइटन बहुत प्यारा लग रहा है। सो हैप्पी। यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी कि ये जो क्रॉस हो रही है, मेरा खुद का स्कूल है मीन्स की सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल, यहाँ से मैंने 10+2 किया है। तो वही मैं बोल रही थी, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली वॉइस ओवर करना पड़ा, आवाज़ बहुत आ रही थी। मुझे एक ड्रॉप्स लिखे नॉर्मल इन्फेक्शन थे। यहाँ पे मुझे भूख लग गई तो मैंने कुछ एक फ्राई कुछ करके थे मीन्स की फ्राई करके ऑमलेट टाइप का, वो मैंने खाया। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पान, तो मैंने मीठा पान बनाया, क्योंकि पान दिखेगा तो जाहिर सी बात है खाना तो बनता है। तो वहाँ बहुत ही टेस्टी यमी का, मतलब एक साल के बाद खाई होंगी पान। यहाँ पे फिर मैं आ गई एक मेडिकल शॉप, यहाँ से जो दवाई मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए थे वो मैंने ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ किचन का सामान लिया, जिसमें कि मूंगफली वगैरह चूड़ा, यहाँ पे ब्रेड वगैरह मैंने ले लिया। फटाफट काम मैंने बाहर का किया और फिर घर आ गई और यहाँ पर बाबू के लिए मैं खुश खुश के ले रही थी कि मैं लूँ क्या। हेलो नारे के लिए बनाना लाई, ऐसे नहीं सिर्फ छिल के खाओ, छिल के खाओ छिलो, अच्छा लग रहा है। नहीं जनारा बनाना तुम्हें पसंद है, लो सिर्फ इसे छिल के अच्छे से दो। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो मम्मा को, थैंक यू बोलो, वेरी गुड, वेलकम मेरी बच्चा, खाओ। ये जनारा मम्मी जी इतना प्यार से बोलती है माशाल्लाह मुझे। ये हमने ब्रेड लाया, ये बहुत अच्छा है। और ये देखिए इसे चूड़ा फ्राई में मतलब फ्राई करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पीनट्स भी ले लिया। थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी भूख लग रहा है। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और यहाँ पे ऑयल ले लिया है थोड़ा सा फॉर्चून ऑयल जो अपने पसंद का, इसे अच्छे से सेकती हूँ क्योंकि ये सिका हुआ बहुत अच्छा लगने वाला है चाय में, बहुत ज़्यादा इस तरीके से। और एक तरफ चाय भी बनाती हूँ। मैं इस तरीके से पीनट्स बटर लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
ये जियान बाबू के लिए मेरा है और सिफत का है, और ये ब्रेड है साथ में खा लेते हैं, क्योंकि मैं खाऊंगी तो साथ में बाबू लोग भी ले लेंगे, अच्छा लगेगा। कभी भी हमेशा अकेले नहीं, जब कोई कंपनी देने वाला तो जाहिर सी बात है साथ में पीनी चाहिए। कहाँ हो लो बाबू? के लिए भी थोड़ा सा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब के फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। और यहाँ पे मेरा नायका का पार्सल आया। मैं मॉर्निंग में नाश्ते के बाद अभी फ्रेश हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप डू यू लाइक। और मुझे बहुत जब मैं जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि कब आएंगे कब आएंगे। फाइनली आ गए हैं और बस मैं इसे ओपन करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेरे साथ मेरा बेटा ज़ियान भी बेसब्री से बैठ गया देखने कि एक्चुअली में मम्मा ने क्या ऑर्डर किया है। बस वो थोड़ा सा स्पेस दो बेटा, थोड़ा सा घसको। यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ और बस मुझे भी सब्र नहीं हो रहा, सब्र ही नहीं होता है, सब्र ही नहीं होता है कि एक्चुअली में है क्या। देखो वाओ माशाल्लाह, यहाँ पे ये सब स्किन प्रोडक्ट है। ये देखिए नायका से मैंने परचेज किया है मम्मा अर्थ का ऑनियन ऑयल। बेटा नायक हटा दे, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने एक ये भी शायद शैम्पू, इसे ओपन करते हैं। और हाँ ये देखो ये फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है। तो मेरा तो ये लगता ऑयल है। हाँ वाओ, ये ओपन करो, ये देखो कितना अच्छा। रुको ना, पढ़ने दो ना, है क्या मम्मा अर्थ ब्रिंग आमला हेयर मास्क है। हाँ ये भी अपने हेयर पे जरूर अप्लाई करें, लाजमी करें। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं भी फर्स्ट बार ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ये चाय के लिए दूध रख दिया, यहाँ पे तवा मैंने अच्छे से रख दिया साफ करके। यानी यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे खेलो, वहाँ पे अल्लाह और आंटी अल्लाह कर रही है, आ जाओ। थोड़ी देर में सनसेट होगा, बहुत अच्छा वेदर आके अभी ऊपर चढ़ रही हूँ। और अभी धूप हमारे बेड पे भी आ रहे हैं और ये शाम का टाइम हम लोग फ्राई चूरा बहुत अच्छा लगता है। और ये पहले ये हम लोग खाएंगे बीटरूट, बीटरूट कटा हुआ, उसके बाद चूरा फ्राई। विनायरा आप भी खा रहे हो धूप में? आप भी खा रहे हो मामा के साथ? कुछ नहीं बोल रही हूँ। अब विनायरा देखो इससे तुम्हारा लिपस्टिक लगा दें, देखो कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। देखो ये देखो, देखिए आई मेरा बच्चा बी ये बनाना खाओ, धूप में बैठ के खाओ, लो थैंक यू बोलो मामा को। मामे पानी नहीं पी। हाँ, अच्छा ठीक है पानी नहीं पी, खाओ लो। अच्छा लगता है? अच्छा है, ठीक है तुम खाओ इसे, खाओ 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 इसे, इसे छीलना इधर रखो यहाँ पे, ठीक है खाओ बाबू मेरा अच्छा बेटा। धूप में मेरी तरह किस किस को पसंद है चाय पीना बैठ के आराम से? जब भी मैं चूड़ा वगैरह खाती हूँ ना तो मुझे चाहिए। चलो हम लोग चीयर्स करते हैं। चीयर्स जब भी चाय पियो ना साथ में कंपनी देना, एक बार अगेन 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 चीयर्स कि कप ना फूट जाए तुम्हारा। मेरा तो चलो ग्लास है छोटे वाले चलेंगे। बेबी नीनी सो लेगी, सो जाओ नीनी मेरा बेटा। रिजान भैया को भी लगता फीवर है आके, भैया को भी नीनी सोने दो। हाँ बेटी भैया को नीनी सोने दो, तुम डिस्टर्ब ना करो भैया को, वॉश हो गए हैं। और मैं यहाँ पे तार पे डालूंगी और ये वाला मैंने पहले से डाल चुकी हूँ बिकॉज ये थोड़े से जल्दी सूखने के लिए। और सबसे ज़्यादा जुनैरा के कपड़े हैं, मोजेज पजामा सब बहुत सारी चीज़, क्योंकि बच्चे वाले घर में बच्चे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। खैर मैं डालती हूँ सबसे तो ज़्यादा पैंट जो छोटे छोटे होते हैं सब जुनैरा के हैं। और मेरे जान बाबू को भी फीवर आकर है, क्या पता उनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई, तो ध्यान दो। उसके बावजूद भी अभी वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। मेरी मम्मी के हाथ की बुना हुआ है जियान के थे, बट जुनैरा भी पहनती हैं। ख़राब हो गई है यहाँ पे देखे वॉमिट, पूरा पूरा बेड पे सब जगह कर रहे हैं बाबू। इसको फीवर के साथ साथ इसकी मतलब अभी मेडिसिन, अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पूरा फ्लोर पे सब जगह उल्टी हो रहे हैं, वो भी पानी दूध की तरह। अल्लाह शिफा दे बाबू का, तबीयत अच्छा रखे या अल्लाह। शाम हो गया थोड़ा तो मैंने सोचा चलो चाय यहाँ पे बना देती, तो अच्छे तरीके से मैंने फिर के अपने तरीके से मैं चाय बना रही हूँ। और
यहाँ पे मैं पानी में अच्छे से धनिया पत्ती साफ करके रख चुकी हूँ, ऑनियन काट ली, गार्लिक और थोड़ा सा हरी मिर्च, आलू काट लिया और हरा मटर को वॉश कर लिया, और यहाँ पे टोमेटो प्यूरी उसके साथ मिर्च और लहसुन भी पीस लिया था। और यहाँ पे मैं एक पैन रखी, उसे थोड़ा सा फॉर्चून ऑयल डाली और उसके बाद फोरन डाल दी, जो कि इसमें जीरा, एक दो हरी इलायची और बड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और ऑनियन डाला। हल्का पिंकी शेड में आया तो उसमें डाला हुआ पोटैटो और हरा वाला मटर मैंने सब अच्छे से वॉश करके जो छान के रखा था उसमें मैंने डाल दिया और चारों तरफ से इसे चलाना है। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, यकीन मानो आप। और देखिए किस तरीके से ये आलू भी क्रिस्पी हो रहे हैं, भून रहे हैं। और अब मैं थोड़ा थोड़ा साबुत बोल रही हूँ मसाला पाउडर मैं निकाल के रखी थी, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने होममेड है वो मैंने इसमें अच्छे तरीके से डाल दिया। और इसी मसाले में ये भुन भी जाएंगे। उसके बाद मैंने टोमेटो प्यूरी जो बना के रखा उसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक और एक प्याज, हाँ ऑनियन भी मैंने डाला था, वो वाला प्यूरी इसमें ऐड कर देना। ये ऐसे ही भुनाएंगे भी और मतलब इनका जो सौंधापन भी आ जाएंगे, मसाला जो कच्चा रहता है वो भी पक जाएंगे और ये पक भी जाएंगे। फिर अपने हिसाब से इसमें वाटर देना है, थोड़ी देर में ही रेडी हो जाएंगे। इसे अच्छे तरीके से भूनना है क्योंकि ये बहुत ही इंस्टेंट भी जल्दी बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में ये वाला। फिर इसमें वाटर ऐड कर देना है। इस चार में मैंने टोमेटो प्यूरी पीसा था उसी चार से, और मैं टमाटर इसलिए पीस के देती हूँ कि मेरे ज्ञान बाबू को चॉप नहीं करते गले में, अगर आप चाहो तो चॉपर से दे सकते हो। मैं पानी देकर इसे 5 से 10 मिनट तक आलू को गला देती हूँ और ये अच्छे से बन जाएगा। और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, लाजमी ट्राई करो। सबके डिफरेंट रहते हैं, मेरे थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मेरा रेसिपी मेरी मम्मी डेडिकेट करती है। मम्मा के साथ हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे चपाती में बना रही हूँ। अच्छा बेटा, दो दो बेल कर दो। ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं ये और ये धनिया छीप देती हूँ और ये रेडी होती है। यहाँ पे गरम गरम सा खाना रेडी है और अब चलते हैं हम लोग डिनर करने। यहाँ पे हम लोगों का डिनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही छोटा रेसिपी था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और यहाँ पे मैं बोल रही थी, आप लोगों को सलाम कर रही थी और यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और एंड वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल।